नई बीमारी लाइक शेयर इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब सोशल मीडिया मेरा चेहरा मेरी पोजीशन, ये एक नई बीमारी है जो समाज के अंदर बहुत तेजी से फैल रही है। बहुत सारे बच्चों की जान जा चुकी है और बहुत सारे बच्चों की जान इसमें जाने को तैयार है। बहुत सारे बच्चे और बड़े बड़े बूढ़े इसमें मनोवैज्ञानिक रूप से मेंटल रूप से फंस चुके हैं, बीमार हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, चिड़चिड़े हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे युवा जवान अभी जाने वाले हैं। घर घर में कोने कोने में हर जगह ये डिसीज ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती जा रही है। अगर आप विपसना करते हैं, अगर आप बुद्ध के समय की मनोविज्ञान जानते हैं, क्योंकि बुद्ध दुनिया के सबसे बड़े मनोचिकित्सक रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले मन को जाना, मन को देखा, मन को खोला, मन को समझा और मन के ऊपर उन्होंने एक अभिधम्म पीटक से सारा का सारा जितना भी साहित्य बाद में बनाया गया, जो बाद में याद करके लिखा गया, वो सारा मनोविज्ञान के ऊपर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, जो कृत्रिम जानकारी है, वो सारी की सारी उसी अभिधम्म पीटक या उसी बुद्ध के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ये लाइक शेयर और सेल्फी, इसका जो रोग है या जो इसकी बीमारी है या इसकी डिसीज है, ये कैसे आती है और कैसे बनती है, ये बहुत सिंपल सा उन्होंने बहुत पहले ही बताया हुआ है। बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य को बीमारियां कैसे लगती हैं। एक मार शब्द उन्होंने दिया, देवपुत्र मार। मार इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने एक वीडियो मार का बनाया है, उसे अवश्य देखें, क्योंकि 10 तरह से मनुष्य को मारा जाता है। उन 10 तरह में से एक तरह प्रसिद्धि भी है। प्रसिद्धि का मतलब है आदमी मनुष्य प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए जो आचरण करता है उसमें वो मारा जाता है, मार उसको अपने कब्जे में ले लेती है। जब प्रसिद्धि का रोग किसी को लग जाता है, डिसीज लग जाती है, फिर वो मृत्यु के आसपास आना शुरू हो जाता है और मृत्यु उसको अपने कब्जे में ले लेती है। मार का जो आखिरी घर है वो मृत्यु है। मार आपको मारती है, बीमार करती है, अवसाद में लेके आती है, लास्ट में मृत्यु तक छोड़ देती है और उसका काम खत्म हो जाता है। तो प्रसिद्धि ऐसी है, क्योंकि प्रसिद्धि जो होती है, शोहरत का कोई साहिल नहीं होता, ऐसी एक बात बताई गई है। शोहरत का साहिल नहीं होता, मतलब जो प्रसिद्धि है, जो फेमस है, जो फेम है, वो समुद्र में बीच में गए हुए व्यक्ति की तरह है, जिसका कोई भी बैंक किनारा या साहिल तट नहीं होता, यानी कि वो कभी भी तट पे नहीं पहुंचेगा। आदमी एक बार अगर प्रसिद्धि के समुद्र में उतर जाए तो चारों तरफ फिर समुद्री समुद्र पानी पानी होता है, वो उसी में मारा जाता है। शुरू में उसको अच्छा लगता है, मगर बाद में जब उसे कोई किनारा नहीं मिलेगा, कोई तट नहीं मिलेगा, कोई बैंक नहीं मिलेगा, कोई जगह नहीं मिलेगी, तो वो पानी के अंदर ही मर जाएगा, उस प्रसिद्धि के अंदर ही मर जाएगा। एक समस्या आई थी हमारे साथ में जो 97-98 में आई थी, हमें एक खबर चलवानी थी। उस समय आज तक को आधा घंटा दिया गया था सरकारी टेलीविजन, तो आज तक प्रोग्राम आता था, आज तक बड़ा फेमस था, लोग उसका इंतजार करते थे, क्योंकि आज तक जो न्यूज लेकर आता था वो अलग तरह से पेश करता था। सरकारी न्यूज थोड़ा बोझिल लगती थी उनके मुकाबले, हालांकि सरकारी न्यूज ज्यादा अच्छी होती थी। तो आज तक चटक मटक के साथ में एक न्यूज को पेश करता था, लोग उसको देखते थे। हम न्यूज लेके गए आज तक के पास कि हमारी ये न्यूज लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे जो उस समय आज तक को पेश करते थे मिस्टर SP सिंह, उन्होंने हमसे कहा कि इस न्यूज में तो कुछ है ही नहीं, यानी ये न्यूज तो बहुत सिंपल सी है, इसको कौन देखेगा। तो हमने कहा भाई ये तो न्यूज है, आप इसको दिखाइए तो जिसको देखनी होगी देखेगा। कह रहे नहीं, यहां तो जिस न्यूज में कुछ चटक पटक होती है वो चलती है। तो हमने पूछा कि चटक पटक किस तरह की। कह रहा कुछ धरना प्रदर्शन करो, कुछ क्या बोलते हैं ऐसा करो जिससे लोगों का आकर्षण हो। तो हम उनकी बात समझ गए। मैंने कहा आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम सेल्फ इमोलेशन करें, यानी कि हम अपने आप को जलाएं, हम भूख हड़ताल करें, मरने के लिए तैयार हो जाएं, हम पेट्रोल छिड़क के आग लगाएं ताकि आप वीडियो बनाएं और वो चले कि देखो आंदोलनकारियों ने अपनी मांगे मानने के लिए अपने आप को आग लगा दी या भूख हड़ताल कर दी। वो चटक मटक गए। कहने मैं ऐसा तो नहीं कह रहा, आशय उनका ऐसा ही था, चटक मटक। चटक मटक न्यूज में क्या चटक मटक होती है, समझ गए। तब हमें पहली बार एहसास हुआ कि न्यूज को बेचने के लिए उसमें तड़का, उसमें चटक मटक उसमें लगाया जाता है ताकि लोगों में बटे। और ये बीमारी सोशल मीडिया पे आने के बाद बहुत तेजी से बढ़ गई। लोग अपना चेहरा, अपना
नाम और अपने आप को फेमस, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए बच्चे बूढ़े सब इस कदर लगे हुए हैं कि वो भोंडी से भोंडी हरकत भी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं जिसमें आदमी, औरतें, बच्चे सब अलग अलग तरह से हर अलग स्टाइल में, ताकि लोग उनको देखें। अच्छा काम तो कर नहीं पाते क्योंकि अच्छे काम में इतनी ज्यादा चलक मलक नहीं होती, मगर बुरे काम सारे किए जा रहे हैं। इतने ज्यादा फेक न्यूज, इतने ज्यादा फेक आइटम और इतने ज्यादा चीजें व्यूज के लिए कि लोग हमें देखें, दर्शन आए, और कुछ पैसा भी मिलता है इंटरनेट से, उस पैसे के लिए भी, प्रसिद्धि के लिए भी। लोग एक से एक, उन्होंने अपने जो संबंध है, अपने जो रिलेशनशिप है, अपना जो प्राइवेसी है, अपनी जो प्राइवेट जिंदगी है, वो सारी दांव पे लगा दी है। एक से एक घटिया टाइप के जो वीडियो आते हैं, जो मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार लोगों के हैं, वो आप लगातार लगातार देख रहे हैं, फोटो भी देख रहे हैं और उसको लाइक कर रहे हैं और उसको देख के प्रसन्न हो रहे हैं, उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, उसको मान रहे हैं, उसको मान्यता दे रहे हैं, यानी कि आप भी वैसे ही होते जा रहे हैं। नेता अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए एक से एक बुरा आइडिया, एक से एक बुरे विचार, एक से एक बुरे भाषण दे रहे हैं, ताकि पूरे फेसबुक पे, पूरे इंस्टाग्राम पे, पूरे यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया में सिर्फ वही चमके। रातों रात प्रसिद्ध होने के लिए आदमी जितनी उल्टी हरकत कर सकता है, जो सोच से परे कभी रही होंगी, वो भी कर रहा है। ये एक मानसिक बीमारी है जो बहुत तेजी से पड़ गई है, सिर्फ इसलिए प्रसिद्धि पाने के लिए। उन लाइक से, उन शेयर से कहीं कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि किसी को अगर मान लो 10 लाख लाइक मिले, किसी को 1 लाख मिले, और किसी को 1 लाइक मिला और किसी को 0 लाइक भी मिला, तो भी उससे क्या होने वाला है और क्या मिलने वाला है? थोड़ा रेवेन्यू यूट्यूब जैसी कंपनी, क्योंकि यूट्यूब तो चाहती है, या जो कंपनी है वो तो चाहती है कि उनका चैनल लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, उनका इंटरनेट बिकता है, इंटरनेट से उनको पैसा आता है, इंटरनेट बहुत मोटा पैसा उनको देता है। जब आप इंटरनेट पैकेज खरीदते हैं तो सारे जितने भी इस तरह की ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां हैं, उन सबको शेयर मिलता है, इसलिए वो तो चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक टीवी पर, अधिक से अधिक मोबाइल पर, अधिक से अधिक कंप्यूटर पर उनकी चीजें, उनके कंटेंट को देखें, ताकि उनका इंटरनेट खर्च हो और इंटरनेट का शेयर उनको आए। इसलिए वो लगातार एक से एक बड़े गेम देती हैं। सारे जितने भी गेम आते हैं या जितने भी भोंडी चीजें आती हैं, वो सारी की सारी मार पर आधारित होती हैं। मार का मतलब है, या तो वासना उनमें भरी होगी, या उनके अंदर क्राइम भरा होगा, या उनके अंदर हिंसा भरी होगी, या उनके अंदर गाली गलौज भरी होगी, या उनके अंदर जो एथिक्स हैं वो एंटी मॉरल होंगे, यानी कि सदाचार के विपरीत होंगे, वो व्यभिचार पे आधारित होंगे, या वो बिल्कुल परंपराओं को उल्टा करने वाले होंगे, या वो जीवन के विरुद्ध पद्धति पर आधारित होंगे, या वो प्रकृति के अगेंस्ट में होंगे, नेचर के अगेंस्ट में होंगे, जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होंगे और मन को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। लोग एक से एक क्रिमिनल हरकतें कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मीडिया उनको अटेंशन दे रहा है, लोग उनको अटेंशन दे रहे हैं, देखो क्या किया इसने, वहां फायर किया इसने, वहां गोली चलाई इसने, वहां ऐसा किया। इससे प्रसिद्धि पाने वाली बीमारी लगातार बढ़ रही है, इसके रिजल्ट लगातार बढ़ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने इसको प्रसिद्धि के रूप में, मार के रूप में बताया था कि मार जब प्रसिद्धि को सर में डाल देती है, आपके दिमाग पे हावी कर देती है, तो आप एक से एक भोंडी बात कहते हैं। अगर आपको रातों रात प्रचारक बनना है, स्टार बनना है, नेता बनना है, तो आप वो सबसे खराब बात जो क्रिमिनल हो सकती है, जो एंटी हो सकती है, उसको बोल दीजिए। मीडिया वाले अपने व्यूज इकट्ठे करने के लिए, अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए उसको चलाएंगे बार बार, और उसमें तड़का लगा के उस जो उसका टाइटल है वो बड़ा ही ऐसा बनाएंगे कि देखो इसने क्या किया, ये जानकर आपको मिलेगा इतना फायदा, ऐसा देखकर आप बनेंगे करोड़पति, उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसको मिले 10 लाख, ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, ये जीवन की 4 बातें आपको हमेशा सुखी रखेंगी, ऐसा करेंगे तो आप बन जाएंगे अरबपति, इस तरह की अनर्गल बातें टाइटल सिर्फ बेचने के लिए डालते हैं। सारा सेक्स जितना भी है वो उसमें फोटो लगाते हैं, इसलिए कि प्रसिद्धि, व्यू और लाइक उसमें आए, बेशक समाज गड्ढे में जाए। भगवान बुद्ध ने बहुत पहले मार के रूप में इसको बताया, इसका उन्होंने उपाय बताया कि आपको विपसना साधना में जाते रहना चाहिए। विपसना साधना के 200 सेंटर पूरी दुनिया में हैं, 100 के करीब सेंटर पूरे इंडिया में हैं। विपसना के लिए आप विपसना शब्द टाइप करेंगे तो वो उसका ऐप भी है, वो आ जाएगा, या dhamma.org पर जाएंगे तो वहां बुकिंग करा सकते हैं, फ्री है, निःशुल्क है। आप अगर अपना देश बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी सभ्यता बचाना चाहते हैं, अपना समर समाज बचाना चाहते हैं, अपनी समर संस्कृति को बचाना चाहते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो जो प्रसिद्धि की जो मार है, इससे बचने के लिए जितना जल्दी हो सके आप या तो विपसना कर लें या इसको छोड़ दें। ये नई बीमारी है, ये बहुत बच्चों को चपेट में ले चुकी है, बच्चे अपने एजुकेशन, खाना सब छोड़ चुके हैं, उल्टी सीधी हरकत कर चुके हैं।
आपने देखा होगा कई गेम ऐसे आए हैं जिनमें बच्चे सुसाइड करके मर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सेल्फी लेते समय पानी में बह जाते हैं, दीवार से गिर जाते हैं, मीनार से गिर जाते हैं, बहुत सारे बच्चों की सेहत खराब हो चुकी है, बहुत सारे बच्चों की आंखें खराब हो चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मन नहीं लगता, बहुत सारे बच्चों को मोबाइल की बीमारी लग चुकी है, अगर मोबाइल उनके पास नहीं होगा तो वो अनिजी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उनके पास नया मोबाइल नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है, इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग घर से पैसे चुरा कर इंटरनेट खरीदते हैं और इंटरनेट में डलवा के उसमें जो गंदी गंदी या बेकार या जो ऐसी सेक्सुअल पिक्चर हैं उनको देखते हैं, उन फोटो को देखते हैं, बहुत सारे बच्चे कोने में बैठ के जब बात करते हैं चीत करते हैं, इसका मतलब कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा वो बिल्कुल खुले में करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आदमी अगर अच्छा काम करेगा तो वो अपने मोबाइल में लॉक लगा के नहीं रखेगा, अपने मोबाइल में कोई कोड फीड नहीं करेगा। परिवार में सबके मोबाइल अगर खुले हुए हैं इसका मतलब परिवार ठीक है, और अगर परिवार में सब लोगों ने अपने मोबाइल में लॉक कोड लगा रखे हैं, कोड फीड कर रखे हैं और एक दूसरे से मोबाइल को छुपाते घूमते हैं, इसका मतलब उनके मोबाइल में अच्छी सामग्रियां नहीं है, इसलिए वो छिपाते हैं। धन्यवाद।